बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम कश्मीर क्रॉन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और इस वक्त की बड़ी खबर सरहदी ज़िला राजौरी के नारला इलाके से हम आपको देते चलते हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान जो है वो एनकाउंटर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ताज़ा इतलात मिलने तक हम आपको बताते चलें कि अभी अभी जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि सरहदी ज़िला राजौरी के नारला इलाके में अगर हम बात करें तो हाड़ी छुम्मा जो गाँव है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान जो है वो कॉन्टैक्ट हो चुका है और लगातार दोनों अतराफ से गोलाबारी हो रही है। हम आपको बताते चलें कि कल सिक्योरिटी फोर्सेज को एक खुफिया इतला मिली, जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन में आज थोड़ी देर पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान जो है वो गोलियों का तबादला शुरू हो गया। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि दोनों अतराफ से गोलाबारी हो रही है और 2 से 3 मिलिटेंट्स जो हैं वो ट्रैप किए गए हैं। हम आपको बताते चले, इससे कबल भी राजौरी और पुंछ दोनों अजला में जो है कई बार एनकाउंटर हो चुके हैं। जैसे कंडी का एनकाउंटर आप मान लीजिए, बुद्धल के कंडी इलाके में एनकाउंटर हुआ था, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो राजौरी के नौशहरा में एनकाउंटर हुआ, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पुंछ के इलाके में भी जो एनकाउंटर्स की खबरें सामने आती रहीं। लेकिन अभी की बड़ी खबर सरहदी ज़िला राजौरी के नारला बमल इलाके से आ रही है, जहां पर हाड़ी छुम्मा इलाके में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान जो है वो एनकाउंटर शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि पूरे इलाके को जो है कार्डन कर लिया गया है और उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, STF, आर्मी के साथ साथ BSF और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। मजीद इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नारला बमल इलाके में, राजौरी के नारला बमल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान दोनों अतराफ से गोलाबारी जारी है। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।